लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं. चलिए लेट्स गिव अ ट्राई. सारे बच्चे ट्राई कर दो. बिल्कुल फोर्थ का आंसर आ गया मेरे पास बहुत सारे बच्चों का. बिल्कुल करेक्ट. द आंसर इज ए. कौन बताएगा कौन बताएगा. बिल्कुल ठीक है ए का आंसर. वैनिया से पूछते हैं. वैनिया व्हाट इज द रीजन फोर्थ का ए क्यों आएगा. फोर्थ का ए क्यों आएगा. यस सर. वैनिया व्हाट इज द रीजन फोर्थ का ए क्यों आएगा. Yes, sir. So wait, yes. अब्बास से पूछ लेते हैं. अब्बास फोर्थ का ए क्यों आएगा. अब्बास सर वो दोनों नंबर के क्यूब्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बीच का आएगा. क्यूब्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे. यस सर. स्क्वायर वो क्यूब बाय मिस्टेक निकली. स्क्वेयर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे. सो दिस इज आई गेस 121 है ना. और ये आ रहा है 81 से 40 आ रहा है. 225 और ये 49 आ रहा है. 625 21 का स्क्वायर 441 184 आपके पास आ जाएगा. बिल्कुल सही है. चलिए फिफ्थ देखते हैं क्या आएगा. फिफ्थ बताइए. लेट्स गो फॉर द फिफ्थ नाउ. फिफ्थ का देखते हैं क्या आंसर आएगा. फिफ्थ का काफी बच्चों का आंसर आ गया. सबसे पहले मेरे पास आयुष का आंसर आया फिफ्थ का. फिर हृदय का आ गया. दीप का आ गया. आगम का आ गया. आशी का आ गया. चलिए लेट्स आस्क आशी. आशी फिफ्थ का आंसर सी क्यों आएगा. यस सर. सर देखो पहले जो फर्स्ट जो वर्टिकल ब्लॉक्स है उसमें 6, 3, 4 और 8 है. तो फिर उसमें 6 / 2 = 3 आएगा और 4 = 8 में 8 / 2 = 4 आएगा. मतलब जैसे 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8. फिर सर सेकेंड में 18, 2, 3 और 27 है. तो फिर बाद में 2 × 9 = 18 और 3 × 9 = 27. फोर्थ ब्लॉक है यस सर. उसमें 15, 5 एक क्वेश्चन मार्क और 9 है. तो 5 × 3 = 15 और फिर 3 × 3 = 9. तो फिर आंसर इज 3. वेरी गुड. बहुत अच्छे. सही है. करेक्ट. बिल्कुल सही लॉजिक है. लेट्स गो विद द सिक्स्थ वन नाउ. चलिए सिक्स्थ वन बताएंगे. सिक्स्थ कैसे करेंगे. यस 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 अब्बास यस. बिल्कुल सिक्स्थ का आंसर भी आ गया मेरे पास. आयुष का आंसर आ गया है. आर्यन का आ गया है. यशवी का आ गया है. आगम का आंसर कुछ और आ रहा है. देखते हैं लेट्स सी. राही का भी अलग ही है. नाजरा का भी जीरो आ रहा है. अच्छा तो नाजरा से पूछते हैं. पर नाजरा जीरो क्यों लग रहा है. जीरो क्यों लग रहा है. सब बिकॉज जब हम 5 4 और 1 को प्लस करते तब 10 आता है और 10 में से 3 सबट्रैक्ट करते हैं तो 7 आता है. और इस साइड 3 2 और 4 2 और 3 को प्लस करते हैं तो 9 आता है और 9 - 3 6 आता है. उसी तरह अगर हम 2 0 और 1 को प्लस करेंगे 4 3 = 7. सबको ऐड करोगे या किसको ऐड करोगे. ओनली 4 3 and 2. लेकिन ये तो इनकम्प्लीट हो गया ना लॉजिक. फिर इसका क्या मतलब है. व्हाट्स द यूज ऑफ दिस. सर उसको माइनस करना है सर. पहले ऊपर वो प्लस करना और फिर माइनस. सर अरे रुको. सब्जी मंडी नहीं है. रुको शांत रहो. शांत जिससे पूछूंगा वही बताएगा.
मैं अभी नाजरा से बात कर रहा हूँ. नाजरा बेटा देखो, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, लॉजिक इज ओके. इफ आई सबट्रैक्ट 3, लेफ्ट ओवर इज 7. दूसरा आप ऐसा बोल रहे हो कि सर 4 प्लस 3 7 8 9 2 9 9 माइनस ऑफ 3, सो वी डू ऐड दीस एंड वी सबट्रैक्ट दिस. यस यस. अच्छा इसमें भी इसको ऐड करा, इसको ऐड करा, तो वी गॉट 3 एंड 3 माइनस 3 0. किसका जीरो आ रहा है? आगम को पूछने पहले एक बार, आगम जीरो कैसे आ रहा है? सर मैंने जो जैसे कि डायगोनल्स में मैंने पहले क्या किया, 5 और 4 को प्लस किया, फिर 3 माइनस 1 2 होता है, तो 9 माइनस 2 7 आ गया ऐसा. फिर सिमिलरली 2 प्लस 4 किया तो 6 आया, और 3 माइनस 3 0, तो 6 माइनस 0 6. और फिर इसमें 1 प्लस 0 1 आया, और 3 माइनस 2 1 आया, तो 1 माइनस 1 0. ठीक है, ये लॉजिक भी एक्चुअली देखा जाए तो अप्रोप्रिएट इसलिए नहीं है क्योंकि सिमेट्री फॉलो नहीं हो रही है. अगर यहाँ प्लस करें तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यहाँ प्लस करें तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यहाँ प्लस करें तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए. ठीक है, कोई और लॉजिक वर्कआउट नहीं करेगा, देन वी हैव टू गो फॉर दिस. यस यस यस, आर्यन से पूछते हैं. अरे सर, सर मैं आपको वही बोल रहा था कि मेरा आंसर ड्रॉबैक कर लो, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था उसके वजह से. चलो दीप से पूछते हैं. दीप बताओ. सर जो लेफ्ट साइड वाले है 1 प्लस 5 6 और राइट साइड 4 माइनस 3 1 ऐड करना है दोनों को, फिर वैसे 3 प्लस 2 5 और 4 माइनस 3 1 ऐड, 2 प्लस 1 3 और 0 माइनस 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 0, 5 प्लस 1 6 हाँ, और 4 माइनस 3 1 फिर ऐड करना है. वही लॉजिक हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि होना चाहिए तो सिमेट्री से ऐड या सबट्रैक्ट ही होना चाहिए पूरे एक्सप्रेशन में, आधा एडिशन आधा सबट्रैक्शन, ऐसे थोड़ा लॉजिक नहीं बैठ रहा. वी नॉट वर्किंग ऑन दैट. आधा एक ऐड कर लिया, एक सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है. ओके, तो क्या लॉजिक बैठ सकता है और लॉजिक क्या सोच सकते हैं? लॉजिक है सर एक और. अच्छा कुछ बच्चों का आंसर मेरे पास बी भी आया है, बी आंसर आया है. हां सर बी. यस सर. इसके पीछे लॉजिक क्या है? यस सर. सर वो अब्बास से पूछते हैं. चलो एक बार पहले अब्बास बताओ, बी लॉजिक के पीछे क्या है? 5 5 1 5 होता क्या था? 5 1 जा 5 होता है और 4 3 जा 12 होता है, तो 12 माइनस 5 7 हो गया. ओके और फिर यहाँ पे 2 3 सर मल्टीप्लाई करना है, बड़े में से छोटा घटाना है, वही करना है, मॉड ले लेना है उसका. 4 3 जा 12 5 4 3 जा 12 6 0 एंड 2. बट देखा जाए तो दोनों आंसर्स को हम सही कंसिडर करेंगे, मार्क बोथ आर करेक्ट, ठीक है. इसमें 0 भी सही है और 2 भी सही है, ठीक है ना. स्टूडेंट्स का जो लॉजिक उन्होंने लगाया तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना. हम दोनों को इक्वली करेक्ट बोलते हैं क्योंकि उसमें देखो आपने मल्टीप्लीकेशन किया और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपने डिफरेंस लिया, उसमें आपने एक जगह एडिशन करा एक जगह डिफरेंस लिया, सो बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना. तो 0 एंड 2 बोथ गेट मार्क्स. चले आगे. ओके देन लेट्स टेक नेक्स्ट. नेक्स्ट पेज आपके पास है, विल गो विद क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं. 7 आपकी स्क्रीन के सामने है. 9 5 7 3 5 4 6 0 10 7 3 and 5. सेवेंथ का सबसे पहले मुझे हृदय का आंसर आ गया, शुभ का आंसर आ गया.
उत्कर्ष कोई आंसर नहीं दे रहा, उत्कर्ष क्या बात है? प्रशम, नईम, मुस्तफा, प्रतीक, कशिश, दिया, यू कैन ऑल्सो आंसर बेटा, आपके पास चैट का ऑप्शन होगा वहां पे, असद, आर्ची, सलमान, प्रतीक, पार्थिव, देव, आयुष बारिया, अशिका, तनिश, सृष्टि, सक्षम, राहिल, राहिल के तो आंसर आ रहे हैं मेरे पास, कुतुब खान, गर्व, निगम, क्या चलो गिव अ ट्राई, ओके अक्षत से पूछते हैं, अक्षत नाइन कैसे आ रहा है? अक्षत शाह सर, इसमें क्या करना है कि क्या था, हाँ सेवन माइनस फाइव करेगी तो टू बचेगा, और अगर और फिर थ्री नाइन माइनस थ्री करेगी तो सिक्स बचेगा, और सिक्स प्लस टू एट हो जाएगा, फिर फोर सिक्स माइनस फोर करेगी तो हमारा कितना दो बचेगा, और जीरो में पांच में से जीरो माइनस कर देगी तो पांच बचेगा, तो दोनों का एडिशन करके सेवन आ जाएगा, और इसमें भी ऐसे ही करेंगे तो आ जाएगा नाइन। ओके ठीक है तो लॉजिक मैं समझ आया, बताओ इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हो आप? देखो देखो जो ये एक्सप्रेशन आपके पास है इसमें आप नाइन माइनस थ्री कर दो यू गेट सिक्स, देन फाइव और सेवन का डिफरेंस ले लो तो आपके पास टू बचेगा, तो टोटल एट आ गया, वैसे इनका डिफरेंस फाइव आ जाएगा, ठीक है ना, ये किया है और इसका डिफरेंस टू आ जाएगा आपके पास, तो टोटल सेवन आ जाएगा, फिर इसका डिफरेंस करोगे तो पांच आ जाएगा, और इसका डिफरेंस करोगे तो चार आ जाएगा, तो टोटल नाइन आ जाएगा आपके पास। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा, सर इसमें एक और हो सकता है पर उसमें आंसर वन आएगा, बट आंसर वन आएगा तो नहीं चलेगा, मेरा भी वन आ रहा है, अरे मेरा तो जीरो आ रहा है, बट उसका क्या करेंगे, जीरो का क्या करेंगे, अरे जो आंसर आ रहा है वो तो चलेगा, इन्हें ना ऑप्शन मैच होना चाहिए, ठीक है ना, ओके सही है, यस चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर एट नाउ, क्वेश्चन नंबर एट में आ जाते हैं, ओके एट के आंसर्स भी आ गए हैं मेरे पास, ठीक है, नवधा का सबसे पहले आंसर आया है, हृदय, फिर वृंद का आंसर भी आ गया मेरे पास, आयुष का भी आ गया है, चलिए चलिए लेट्स सी, यहाँ पे अननोन है, यहाँ पे अननोन है, यहाँ पे अननोन है, चलिए लेट्स गिव ट्राई टू वरुण, वरुण को देते हैं, वरुण बताओ कैसे आएगा वरुण? सर देखो फर्स्ट कॉलम में z और r दिए हुए हैं, हां तो फर्स्ट कॉलम में तो z के बाद कुछ दिया नहीं है, पर फाइंड करने के लिए हम देख सकते हैं से नीचे r के बाद जो k है दोनों में 8 का डिफरेंस है, r जो होता है वो 18th नंबर अल्फाबेट होता है 26 में से, ये 26 है ये 18 है, अच्छा हां ओके 18 का गैप छोड़ के होता है तो 26 के बाजू में j आएगा क्योंकि के बाद 8 का गैप होता है ना, G8 नंबर का अल्फाबेट है, तो यहाँ पे 12 आना चाहिए ना, ऐसा बोल रहे हो ना, अच्छा ओके
अच्छा इधर क्या है अननोन है, इधर के मेरे पास है, के मतलब आपका होना चाहिए छह जे के, के मतलब 11 और सर ऊपर 26 के बाजू में जो जे आएगा ना, हां जे 10th नंबर का अल्फाबेट हो रहा है तो उसमें और 8 का डिफरेंस, 8 का लेंगे तो वो आएगा ना वी आएगा, यस 3 के बाद इधर 8 आया तो इधर 19 आना चाहिए ना, टी एस सी एस टी, अच्छा एस आ जाएगा, एस 19 मतलब एस होता है ना, अच्छा अब इधर वी है मेरे पास, वी का मतलब होता है 22 और एफ का मतलब होता है 6 14 होता है, तो बिल्कुल 14 आना चाहिए, इधर भी 8 का गैप फॉल होगा ना, हाँ ठीक है, तो बिल्कुल आपका जेएसएन आ जाएगा, करेक्ट, चलिए देन विल गो विद 9th वन, 9th में आ जाएंगे, फटाफट भेज दो आंसर्स 9th के मेरे पास, सारे बच्चे हर एक लॉजिक को नोट डाउन भी करते चलो, 9th का रिदे ने सबसे पहले आंसर दे दिया, राहिल का आ गया, आर्यन का आ गया है, ओके लेट्स सी, नाइन्थ का आंसर कौन दे रहा है, अमीना का आंसर आ गया मेरे पास, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स आ देर, बाकियों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है, निगम यस सर, क्या वो निगम नहीं आ रहा है क्या, सर आंसर आ ही रहे, सोचो सोचो, फातिमा यस सर, तो खान भाटिया, कुतुब खान यस सर, नहीं पता चला क्या कुतुब खान, कैसे सोचेंगे इसको, सृष्टि देव यस, चलिए 9th का हम देते हैं बोलने के लिए हृदय से पूछते हैं, हृदय 9th कैसे आएगा बताओ हृदय, चलो इस 9th का कुछ खास लॉजिक नहीं था, पर अगर हम देखे रो वाइज 3 और 6 मल्टीपल्स है, 856 मल्टीपल है, 90 मल्टीपल है, 22 मल्टीपल है और 10 मल्टीपल बोल सकते हैं, अगर हम ये क्वेश्चन देखे और अगर ऑप्शन देखे तो 20 मल्टीपल ऑप्शन में से तो 5 बैठ रहा है, इसलिए आंसर आ जाएगा, लेकिन अच्छा। वो लॉजिक से तो 0 भी तो 20 का मल्टीपल ही है ना, नहीं नहीं वो अब देखो लास्ट वाला जो है, ठीक है ना, आप या तो रूल लगाओ कि डिविजिबिलिटी हो रहा है ना, 3/6 कर सकते हैं, 8/56 कर सकते हैं, लेकिन फिर लास्ट वाला डिवाइड कैसे करोगे आप, जीरो बाय कर सकते हो आप, 0/ कर सकते हो, जैसे 6/3 कर दिया, 56/8 कर दिया, 90/10 कर दिया, 2/2 कर दिया, 20/something कर दिया, ठीक है, तो बस तुम्हारा 0 उस केस में डिस्कार्ड हो जाएगा, इफ यू डिवाइड दीज नंबर्स बाय दीज नंबर्स यू गेट इंटीजर्स, डिवीजन करने पे इंटीजर्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, बाकी सब में डिवीजन करोगे तो इंटीजर नहीं मिलेगा, ऐसा लॉजिक वर्क कर सकता है, और कोई अच्छा लॉजिक बताए, और कोई लॉजिक, सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं आर्यन से पूछते हैं, चलो एक चांस आर्यन को देते हैं, आर्यन बताओ, वैसे बहुत बहुत आर्यन की इच्छा होती बोलने की, आज उसको मौका दिया जाए, अरे नहीं नहीं आर्यन सर, 3² 9 होता है और 9 - 3 6 होता है, अच्छा ठीक है, फिर सर 8² 64 होता है और 64 - 8 56 होता है, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया लॉजिक, वेरी गुड, और हाँ सर वैसे ही आ जाएगा सर, 5² 25 और 25 - 5 20, बहुत अच्छा, देखो एक लॉजिक आर्यन ने ये दिया है सर, आप बाकी का भी चेक कर लो सर, वही आएगा -3 कर लो तो आपका काम हो जाएगा, है ना,
सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? देखो बेटा व्हाट लॉजिक इज देयर इज, 3 का स्क्वायर आपने कर दिया और उसमें से 3 ही घटा दिया, 8 का स्क्वायर करके 8 ही घटा दिया, 10 का स्क्वायर करके 10 घटा दिया, 2 का स्क्वायर करके 2 घटा दिया, तो 5 का स्क्वायर करके 5 माइनस कर देंगे एंड सिमिलरली 1 का स्क्वायर करके 1 माइनस कर देंगे. अच्छा और भी एक लॉजिक वर्कआउट कर सकता है, आप एक नंबर छोटे से मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 3 को किससे कर रहे हैं, 2 से, तो 6 आ रहा है, 8 को कर रहे हैं 7 से, 10 को कर रहे हैं 9 से, 2 को कर रहे हैं 1 से, तो x को करेंगे x माइनस 1 से, 1 को कर रहे हैं 0 से, तो क्या आ जाएगा, x इंटू x माइनस 1 इज 20 व्हिच इज 5 इंटू 4, तो आप बोल सकते हो x का वैल्यू 5 है. सर मैंने यही लॉजिक लगाया. बहुत अच्छे बेटा है बना, वेरी गुड. ठीक है ना, तो ये लॉजिक भी वर्कआउट कर सकता है आपका. चलिए लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ. 10 में आ जाते हैं फटाफट फटाफट, ठीक है ना, टेक योर टाइम. 10th करके बताओ क्या आएगा 10th का आंसर. टेंथ में नवधा का आंसर आ गया है, अब्बास का आंसर आ गया है मेरे पास, फातिमा का आंसर आ गया है. चलिए फातिमा से पूछेंगे. फातिमा 10th कैसे करेंगे? सर इफ वी सी इन द स्टेप्स, इफ वी विल ऐड 1 टू 4, 4 प्लस 1 5 एंड 3 इनटू 5 10, 2 प्लस 1 3 एंड 3 इनटू 11 33 2 देन सिमिलरली इफ वी विल मल्टीप्लाई 3 इनटू 4 12 11 into 2 22, 9 into 2 18, and x into 8 is equal to 32. So x is equal to 4. Okay, okay. एक बार फिर से लॉजिक. So can you explain again? To be समझने. फातिमा एक बार फिर से समझाओ. In steps में जो 4 है, 4 into 3, 4 into 3 is 12. 2 into 11 is 22. This is what they are saying. See, 4 into 3. We are doing it like this. Yes, 4 into 3 gives you 12. Yes, sir. 11 into 2 gives you 22. Next, 9 into 2 gives you 18. Then 8 into x should give you 32. So here it has to be 4. And we'll say something about this as well. Anna? 12 plus yes, 3. Yes, gives you 15. 22 plus 11 gives you 33. 18 plus 9 gives you 27. And 32 plus x gives you 36. ठीक है? सारे बच्चे नोट कर लो. फातिमा, very good. बहुत अच्छे. नवदा यही लॉजिक था या कुछ और भी है आपके पास? यही लॉजिक था. है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे. चलिए लेट्स कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ. 11th करेंगे. चलिए इलेवेंथ का हृदय ने आंसर दे दिया. आयुष का आ गया, शुभ का आ गया, राहिल का आ गया. आज 10th वालों का बोलवाला है, क्या बात है. 9th वाले और 8th वाले थोड़े से धीरे हो गए हमारे. सर मैंने भेज दिया सर. बिल्कुल, आर्यन सबसे पहले भेजा है, आर्यन ने 9th से. कशिश का हैंड है. कशिश व्हाट हैपेंड, टेल मी बेटा. फातिमा का भी आंसर आ गया है. बाकी 9th वाले क्या कर रहे हैं, सो रहे हो क्या? 8th वालों का भी कोई आंसर नहीं आ रहा है. आशी का आंसर आ गया मेरे पास. ओके, शुभ का भी आंसर आ गया. शुभ, चलिए शुभ से पूछते हैं 11th का. शुभ कैसे करेंगे 11? शुभ 11th कैसे करेंगे? सर माइनस करके स्क्वायर कर देंगे तो नीचे वाला नंबर आ जाएगा 25. जैसे कि 17 माइनस 12 तो 5 आया, उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाए. वैसे ही 17 माइनस 12 है तो 5 आया, उसका स्क्वायर 25. 11 माइनस 13 करा 2 आ गया, उसका स्क्वायर करा. 19 माइनस 16 3, उसका स्क्वायर किया तो 9 आ गया. बिल्कुल ठीक है, तो 9 आपका बिल्कुल लॉजिक बैठ रहा है.
वेरी गुड, चलिए ट्वेल्थ देखेंगे कौन बताएगा। ट्वेल्थ फटाफट कर लो। ट्वेल्थ सबसे पहले मेरे पास शुभ का आंसर आ गया, उसके बाद हृदय का आ गया है, आयुष का आ गया, नवधा का आ गया, राहिल का आ गया, कुतुब खान का आ गया है, बिल्कुल गर्व का भी आ गया है, गर्व बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यशवी का भी आ गया है, आगम का आ गया है, आर्ची का भी आ गया है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सबसे पहले कुतुब खान से पूछते हैं, कुतुब खान कैसे आएगा ट्वेल्थ का आंसर बताइए। जो पहले वाले में अपोजिट है ना, 4 4 16 और 3 3 9, उन दोनों का एडिशन 25। ओके, 4 5 20, 2 3 6, उन दोनों का एडिशन 26। तो वैसे ही 2 3 6, 7 7 1 7, तो उन दोनों। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल। सो कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? यस वैनिया, सी 4 4 गिव्स यू 16 and 3 3 gives you 9, and that sum is in between. Next, 1 7 gives you 7, and 2 3 gives you 6. So 6 7, 13 should be here. Similarly, 2 3 gives you 6, 4 5 gives you 20. So 26 has to be there. Okay? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छे, very good. आगे चलते हैं, 13th में आ जाते हैं, 13th. 13th का सबसे पहले आंसर दिया है आर, 13th का सबसे पहले आयुष ने आंसर दिया है, आयुष बारिया का आंसर आ गया, क्या बात है, आयुष बारिया ने सबसे पहले दिया है, फिर सलमान ने दिया है 13th का आंसर, फिर आर्यन ने दिया है, ठीक है सर मैंने नहीं दिया, वो पिछला लेकर दिया था। अच्छा 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 ठीक है, चलिए गिव अ ट्राई। आयुष बारिया से पूछते हैं, आयुष बारिया बताइए, चलिए आयुष 13th का क्या लॉजिक? मैंने भी 12th ही भेजा था। ऐसे मत करो यार आयुष, चीटिंग है सर। सर 13th वाला नहीं आया। करो फिर जल्दी करो, गिव अ ट्राई। अच्छा तो 12th का भी डी था, इसीलिए 13th में लोगों ने भेजा, मुझे डी लग रहा है आंसर। अच्छा अच्छा, 13th का अभी तक कोई नहीं दे पाया, किसी ने अभी तक आंसर नहीं भेजा 13th का। का सबसे पहले आंसर राहिल ने दिया है। ओके यस, नीति का आंसर आ गया है मेरे पास, असद का आंसर आ गया है, चलिए असद से जानेंगे, असद 13th कैसे करेंगे असद? सर फर्स्ट वाले में 6 4 3 2 इनटू 4। ओके सो 15 इनटू 4 गिव्स 60। यस यस सर, 15 इनटू 4 गिव्स 60। नेक्स्ट 4 3 2 1 10 है ना, 10 इनटू 4 40। वेरी गुड, नेक्स्ट 20 इनटू 9, 20 प्लस 9 29, 32 एंड 47। 47 इनटू 4 गिव्स यू 188। वेरी गुड, बहुत अच्छे, नोट डाउन कर ले सारे बच्चे, बिल्कुल लॉजिक बैठ रहा है, 188 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट 14th का आंसर कौन देगा? हृदय का आंसर आ गया मेरे पास 14th का, आयुष का आ गया है, कुतुब खान का आ गया है। ओके नीति आपने 102 लिखा है, 102 किसका आंसर है ये? नहीं सर वो बहुत पहले का। राहिल का भी आंसर आ गया है, यशवी का भी आंसर आ गया है, कुतुब खान एक बार चेक कर लो 14th का सी कंफर्म हो। अच्छा आयुष का भी आ गया है, नीति का भी आंसर आ गया है मेरे पास। चलिए सबसे पहले कुतुब खान से पूछेंगे, कुतुब खान भाटिया
9 + 7 = 16 आएगा और 3 - 2 = 1 आएगा, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन 15 आ जाएगा। फिर 25 + 8 मतलब इसको सम किया, इसको माइनस किया और फिर रिजल्टेंट को भी माइनस कर दिया। यस सर। अच्छा ओके ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट में प्लस किया माइनस किया। यस सर। तो 6 + 8 कितना हो गया? 14। 14 माइनस 5। अब एक्चुअली देखा जाए तो 14 माइनस ऑफ माइनस 5 होगा ना सर, वो मॉड्यूलस सर। क्यों? देखो 14, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपने क्या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करा है नीचे से ऊपर। अब इसमें देख लेते हैं, चलो यहाँ पे नहीं सर, वो तो मॉड्यूलस में रखा है ना अपन ने जो भी वैल्यू आया। ट्राई कर लेते हैं एक बार, क्या जाएगा? 8 + 25 = 33 और 18 - 11 = 7। हाँ देखो तो फिर इसमें वर्कआउट नहीं कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है आपको, ये वाले के लिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना है। सर इसका मॉडिफिकेशन करेंगे सर, मेरे पास एक और लॉजिक है। नहीं अरे आपका लॉजिक तभी एक्सेप्टेबल होगा जब दूसरा जो सही लॉजिक है उसको आप ऑप्शंस में ना ढूंढ पाए। मान लो हम सिमेट्री से अगर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, हम बोल रहे हैं कि 9 + 7 किया आपने और फिर 3 - 2 किया, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस वी आर टॉकिंग अबाउट। सर मेरे पास एक लॉजिक है, इनको भी ऐड करो, इसको सबट्रैक्ट कर लो। हाँ, ये लॉजिक देखो, 7 + 9 + 2 - 3 करो आप, डायरेक्शन को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ा कौन है छोटा कौन सा है। सर एक और भी है, इससे देखें एक बार क्या आंसर आ रहा है। 9 + 7 = 16 + 2 = 18, 18 - 3 comes out to be 15, 14 = 23 = 19, 25 = 33 = 44 - 18 = 26, so this is following direction, direction भी follow कर रहा है, word लेने की भी जरूरत नहीं है, तो most appropriate तो 19 है, ठीक है ना, ज़्यादा correct जिसको बोला जाए 19 है, और कौन logic देगा, और क्या logic दे सकते हैं? Sir, yes 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 बेटा, पिछला वाला logic था ना, उसमें 6 + 8 = 14 और ये 4 - 9 तो -5, दोनों को माइनस करें तो 19 ही आ रहा है, 14 वही आएगा, माइनस इसीलिए है क्योंकि मैथमेटिक्स ही लेनी है बस, बड़ा छोटा नहीं कर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर हम देख रहे हैं तो उसको फॉलो करेंगे ना, उसको भी फॉलो करेंगे। देखो अगर 19 नहीं होता ना ऑप्शंस में, अगर 19 नहीं होता तो 9 को मैं टिक कर देता, यस 9 वुड हैव बॉल्ड आउट फॉर मी, बट देयर इज एन ऑप्शन विद 19 एज वेल, सो 19 इज मोर करेक्ट देन 9। ओके ठीक है, चलें आगे, लेट्स मूव ऑन, आई थिंक सबको क्लियर है। सर एक और मेथड है, एक्सक्यूज मी सर, एक और मेथड है बताओ सर। 9 - 3 = 6 होता है, फिर 6 + 7 + 2 होता है 9, तो वो 15 आ जाएगा। वैसे ही 8 - 18 - 10 होता है और 25 + 11 36 होता है, तो 36 - 10 26 आ जाएगा। तो ऐसे ही 6 - 4 = 2 होता है और 8 + 9 = 17 होता है, तो 19 आ जाएगा। सेम यशु, ये देखो 9 और 7 और 2 आपने ऐड किया है, तो आप यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस कर दो, वर्क्स आउट द सेम है ना, ठीक है, सेम ही चीज हो जाएगी है ना, ठीक है। यस आगम को कोई डाउट है? आगम सर आप 13 वाला एक बार वापस समझाओ, मैं डिस्कनेक्ट हूं। 13th वाला जितने भी सर्कल्स अवेलेबल है सबको ऐड करके इनटू 4 कर दो आप, 1 + 4 + 3 + 2 सम ऑफ 4 नंबर्स 10 इनटू 4 40, 15 + 20 = 39 and 42 = 42 × 4 = 188 को क्या रिप्लेस करेगा? अब मैं देखना चाहता हूँ किसके आंसर आते हैं मेरे पास, फटाफट फटाफट, वन मोर लॉजिक आई हैव। राहिल कोई और लॉजिक है आपके पास? ठीक है वो क्वेश्चन में सर, वो जो आपने बताया था वही था वो। ओके ओके चलिए लेट्स कम टू द x + y नहीं दिया है, 14 दिया है y की जगह, क्या दिया हुआ है देखो ना, क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन के सामने रखा है, 5
find of find if find x plus y, where x is marked as this and y is marked as this. Ayush, koi doubt hai? Yes, Ayush. No doubt, nahi answer. ठीक है, आयुष का आंसर आ गया मेरे पास बिल्कुल. पार्थिव का भी आंसर आ गया मेरे पास. पार्थिव को मौका देते हैं. चलो पार्थिव से बात नहीं हुआ आज. पार्थिव बताओ. सर अगर हम देखे तो 9 है यहाँ पे और फिर सामने साइड 7 है, उनका एडिशन और 11 और 5 का एडिशन दोनों इक्वल है. बिल्कुल वैसे बिल्कुल. ही सब में फॉलो हो रहा है. बिल्कुल जैसे ये 11 है और इसके सामने 5 है, सम 16 हो रहा है. 9 है और 7 है, उसका सम भी 16 हो रहा है. सिमिलरली अगर यहाँ देखें 9 है और 5 14 हो रहा है, 12 प्लस 2 भी 14 हो रहा है. इसी तरीके से अगर हम देखें 19 और 3 है तो वो कितना हो रहा है, 22. तो मेरा x plus y भी 22 हो जाएगा. सो दैट्स द करेक्ट आंसर. बिल्कुल नोट कर लें उसको आप. सर 22 आंसर. बिल्कुल करेक्ट आंसर इज 22. सर मेरे पास एक और लॉजिक है. अच्छा क्या एक लॉजिक है बताओ. सर जो सेमी सर्कल है ना, दोनों साइड सेम ही वैल्यू की एडिशन की. अच्छा अच्छा पूरा सम कर लिया आपने. हां सर. कितना आ रहा है पूरा सम, कितना आ रहा है? हाँ सर ऊपर का आधा का 53 आ रहा है सर, बाहर वाले साइड 17 22 एंड 34 53 और नीचे आ रहा है 13 15 18 और 25. कैसे आ रहा है? अरे नहीं तो ज्यादा हो गया. अरे सर मतलब 12 plus 19 plus 5 plus 11 plus 6 plus 15 plus 9 plus 12 plus 6 plus 7. सर तुम कितना आ रहा है एक बार चेक कर लो. वर्कआउट कर रहा है तो बिल्कुल यूज कर सकते हो. चलिए सेकंड देख लेते हैं. लेट्स कम टू द सेकंड वन नाउ. सेकंड ये दिया हुआ है देखो आपके. व्हाट फोर डिजिट्स शुड अपीयर इन द मिडिल सेक्शन. मिडिल सेक्शन में यहाँ पे कौन से चार डिजिट्स आने चाहिए आपको बताना है. चलिए हर दर्द की दवा है, जल्दी जल्दी बताएं फटाफट फटाफट. Probably last question for today. आज के लिए last question कर रहे हैं हम. Let's see second का answer कौन बताएगा? तो अभी तो मजा आएगा ना, अभी मजा आएगा. अब असली logics बाहर निकलेंगे. Last question and then we'll conclude. यहाँ पे थोड़ा सा logic आप लगाओ. देखो 3, 8, 4 और 2. इसका जब 5, 6, 3, 9 से addition करेंगे तो कितना आ जाएगा? Add करो. You'll get 1, 8, 4, 9. तो दिख रहा है 9, 4, 8, 1 present है. कहाँ पे present है? ये present है 9, 4, 8, 1 इधर है ना. Next. अब इसका addition करते हैं ना, इसका addition करते हैं अपन इन दोनों का. इनका addition करो तो कितना आएगा? 9 plus 4, 13. 7, 8, 15 और 1, 16. 9, 6, 15 और 6. 9663. अब 9663 कहाँ प्रेजेंट है? इधर प्रेजेंट है ना बेटा. यस दिख रहा है 9663 प्रेजेंट है. तो ऑब्वियसली इसका सम करूंगा तो वो चीज यहाँ बीच में होनी चाहिए. तो सम कर लो आप सिंपल 8 9 5 9. सो 9598 इज द करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर? सर ये फिर से समझा. फिर से देखो क्या हो रहा है. इन दोनों दोनों हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स का एडिशन कर रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द वर्टिकल स्ट्रिप. एडिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इज प्रेजेंट इन वर्टिकल स्ट्रिप. ओके ठीक है तो फटाफट फटाफट एडिशन कर लेना. यस अंडरस्टूड. आंसर आ जाएगा. चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं. थैंक यू.